कभी तमिलनाडु कर्नाटक के जंगलों में आतंक मचाने और बड़ी मूछे वाला बिरप्पन एक शार्प शूटर था जिसका निशाना कभी नहीं चूकता था। 3,000 करोड़ की दौलत जमा कर रखी थी। इस खजाने को बिरप्पन ने कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ने वाले सत्यमंगलम के घने जंगलों में गड्ढा खोदकर दबा दिया था, क्योंकि गांव में बैंक या घरों में पैसे रखने के बजाय यह तरीका अपनाते थे। बिरप्पन और उसके साथियों की मौत हो जाने के बाद 3,000 करोड़ का खजाना भी जमीन के अंदर रहस्य बनकर रह गया। दोस्तों, वीरप्पन का प्लान बहुत ही फास्ट, डिटेल और बेदाग होती थी, लेकिन एक बार कुछ गलतियां की और वे उसके लिए घातक साबित हो गई। भारत के इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब देश के कई हिस्से डाकुओं के कहर से पीड़ित थे, जिसमें चंबल सबसे आगे था। वहीं दक्षिण भारत के जंगल भी खतरनाक डाकुओं का अड्डा बने, इसमें सबसे कुख्यात वीरप्पन का नाम आता है। वीरप्पन ने न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि कर्नाटक की भी पुलिस को काफी परेशान किया था। वैसे कहा जाता है जिस दिन पुलिस ने वीरप्पन को पकड़ा था तो उस पर लगातार 338 राउंड गोलियां चलाई गई थी। तो आइए इस वीडियो के जरिए हम जानते हैं कि वीरप्पन से जुड़े कुछ अनसुने किस्से जिनके बारे में अधिकतर लोगों को पता नहीं है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीरप्पन पर 2000 से अधिक हाथियों और 184 लोगों की हत्या का आरोप था। जानकारों के अनुसार उसने मात्र 17 साल की उम्र में पहला हाथी मारा था और लोगों का कहना है कि वे हाथी के सिर में बीचों बीच गोली मारता था, इतना पक्का निशाना था उसका। दोस्तों, वीरप्पन दक्षिण भारत के जंगलों में चंदन की तस्करी किया करता था। इसके अलावा वे हाथियों के अवैध शिकार, हाथी के दांत की तस्करी, अपहरण और अन्य गैर कानूनी काम करता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुख्यात वीरप्पन को पकड़ने के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और प्रति वर्ष उसे पकड़ने के लिए 2 करोड़ का खर्चा आता था। इस तथ्य से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना खतरनाक डाकू था। वीरप्पन ने सन 2000 में कन्नड़ फिल्मों के मशहूर अभिनेता राजकुमार का अपहरण कर लिया था। अभिनेता राजकुमार लगभग 100 दिनों तक वीरप्पन के चंगुल में रहे थे, लेकिन इस घटना के बाद वीरप्पन को पकड़ने का काम जोरों शोरों से शुरू हो गया था। वीरप्पन को पकड़ने के लिए जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी उसके प्रमुख विजय कुमार थे। वीरप्पन को पकड़ने के ऑपरेशन पर विजय कुमार ने एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने कहा कि वीरप्पन को मार गिराने में कम से कम 4 साल का वक्त लग गया। विजय कुमार अपनी किताब में कहते हैं कि 2001 में उन्हें तमिलनाडु के पूर्व प्रधानमंत्री जयललिता का फोन आया था। फोन पर उन्होंने कहा कि आपको वीरप्पन को पकड़ने के लिए एटीएस का प्रमुख बनाया जाता है। जैसे ही विजय कुमार को वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने वीरप्पन से जुड़ी खुफिया जानकारी कलेक्ट करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्हें पता चला कि वीरप्पन अपनी बात आगे पहुंचाने के लिए वीडियो या ऑडियो टेप का सहारा लेता है। एक ऐसा ही वीडियो टेप विजय कुमार के हाथ लग गया जिसमें पता चला कि वीरप्पन की एक आंख में परेशानी होती है। विजय कुमार ने अंदाजा लगाया कि वो आंख के इलाज के लिए जंगल से बाहर जरूर आए। फिर एक दिन वीरप्पन अपनी आंख का इलाज कराने की तैयारी कर रहा था। फिर क्या था, विजय कुमार ने पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। आंख का इलाज कराने के लिए उसे जंगल से बाहर आने के लिए मजबूर किया गया। तैयारी के तहत एक नकली एम्बुलेंस तैयार की गई और उसमें 2 पुलिस कर्मियों को बैठा दिया गया, एक को ड्राइवर दूसरे को वार्ड में बनाकर। वीरप्पन उस एम्बुलेंस में बैठ गया। तय जगह पर पहुंचने के बाद ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया और उतरकर विजय कुमार को चिल्लाकर बताया कि वीरप्पन अंदर बैठा है, और विजय कुमार ने वीरप्पन को चेतावनी दी, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसे एटीएस ने 338 राउंड गोलियां चलाई, लेकिन उसमें से 2 ही गोलियां वीरप्पन के शरीर को भेद पाई। रात 10:50 पर शुरू हुआ एनकाउंटर मात्र 20 मिनट में खत्म हो गया। उसके बाद वीरप्पन धर्मपुरी के जिला अस्पताल के मुर्दा घर में पोस्टमार्टम टेबल पर असहाय अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर गोलियों के घाव के निशान थे। वीरप्पन के अस्थायी साथी गोविंद्र, चंद्रगौड़ा और सेतुमणि भी वहीं मारे गए थे। मृत्यु के बाद वीरप्पन अपनी ट्रेडमार्क मूछों को बिना था, जो सालों से उसकी पहचान बन गई थी। बिना मूछों वाला वीरप्पन असहाय लग रहा था। उसकी शक्ल किसी भगोड़े जैसी थी जिसे काफी दौड़ने के बाद पकड़ा गया था। जैसे ही वीरप्पन की मौत की खबर फैली, आसपास के गांव से 20,000 की बड़ी संख्या में लोग मुर्दा घर पहुंच गए। उनका इरादा वन डाकू को देखना नहीं था, बल्कि यह पुष्टि करना था कि वह मारा गया है कि नहीं। फिर भी उनमें से कुछ को शव देखने के बाद भी यकीन नहीं हुआ। 18 अक्टूबर 2004 को एटीएस ने मुठभेड़ में वीरप्पन और उसके साथियों को मार गिराया। हालांकि लोग आज भी उनकी जिंदगी के अनजान अध्यायों की तलाश कर रहे हैं। माले महादेश्वरा पहाड़ी वीरप्पन का निवास स्थान था, जहां उसने छुपते समय खून के निशान छोड़ देते थे। 40 सालों तक वह अधिकारियों के लिए एक पहली कलंक बना हुआ था। पुलिस ने 2004 अक्टूबर की रात को वीरप्पन की फाइल बंद कर दी, जबकि दुनिया ने एक और फाइल खोजी जिसमें वन डाकू के जीवन और मृत्यु की रिकॉर्डिंग थी। हालांकि उस रात धर्मपुरी जिला अस्पताल पहुंचने वाले ग्रामीणों को ऐसा कोई संदेह नहीं था।
यहाँ तक कि ग्रामीण वीरप्पन की मौत की पुष्टि करने और दोबारा पुष्टि कराने के लिए उत्सुक थे। तब भी लोगों के एक समूह ने उन्हें शव देखने के लिए एक तरफ धकेल दिया। वे पुलिस और टास्क फोर्स के सदस्य थे। एक बार पुष्टि हो जाने पर वे अस्पताल परिसर से जोर जोर से चिल्लाने लगे। इस बीच ATF कैंप में जीत का जश्न हद से ज्यादा बढ़ गया। वीरप्पन के मारे जाने के अगले दिन अधिकारी विजय कुमार धर्मपुरी के बन्नारमैया मंदिर गए थे और अपना सिर मुंडवाया। उन्होंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि अगर वीरप्पन को पकड़ लेते हैं तो वो अपना सिर मुंडवाएंगे। उसके बाद विजय कुमार को कंधे पर बैठाकर ATS के सदस्यों ने डांस किया और कर्नाटक ATS की टीम भी उनके साथ शामिल हो गई। हालांकि उन्हें थोड़ी निराशा हुई। वीरप्पन ने कर्नाटक ATS टीम को काफी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि वीरप्पन की तलाश जो 1962 में दो राज्यों की पुलिस बलों द्वारा शुरू हुई थी तब जाकर समाप्त हुई। बाद में पत्रकारों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने वीरप्पन को पकड़कर 3 दिन तक टॉर्चर करके मारा, पर इसके कोई सबूत नहीं मिले। जान पर खेलकर वीरप्पन के गैंग में शामिल हुए पुलिस वालों ने बहुत दिलेरी दिखाई। इस बहादुर के सम्मान में जयललिता ने इस ऑपरेशन में शामिल हुए हर जवान को 3-3 लाख रुपए दिए और सभी को प्रमोशन भी मिला। इसके साथ ही सभी को उनके गृह नगर में सरकार की तरफ से एक एक घर भी मिला। तब से अब तक वीरप्पन के ऊपर किताब, टीवी सीरियल सब कुछ आ चुके हैं, पर उसकी उस अकूत संपत्ति का कोई पता नहीं चला जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने छिपाकर कहीं रखी है। ना ही उसकी मौत से जुड़े किसी और थ्योरी की पुष्टि होती है। वीरप्पन के नाम के पीछे कई लोग अपने पाप छिपा लिए हैं। वीरप्पन सिर्फ आतंक का एक नाम बनकर रह गया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा? और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवारों को शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।